नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि सिरमौर वन रेंज के अंतर्गत त्योथर में वन विभाग द्वारा वन चौकी तो स्थापित की गई है, जहां पर एक डिप्टी रेंजर बीट गार्ड की नियुक्ति की गई है। रिजर्व वन क्षेत्र त्योथर में अवैध तरीके से प्रतिदिन हरे पेड़ों का कटान एवं अवैध खनन वन क्षेत्र में किया जा रहा है। वन विभाग मार्गदर्शक बना हुआ है, आरामशी ने संचालित हो रही है, अवैध हरी लकड़ियों का ढेर लगा रहता है। वन विभाग की मिली भगत से अवैध खनन का कार्य संचालित हो रहा है। कंपार्टमेंट 124, 125, 1226 में लोहट्टा नाले में अवैध खनन जारी है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, जो जांच का विषय है। आइए आपको सुनाते हैं दिव्य शंकर शुक्ला निवासी त्योथर की जुवानी। कौन सही है कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि वन विभाग अपने कुंभकर्णी नींद से कब जागेगा या कोई कार्यवाही करेगा, या वन क्षेत्र में अवैध खनन हरे पेड़ों का कटान जारी रहेगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। दिव्य शंकर शुक्ला कहाँ के रहने वाले? त्योथर का। तो ये जो आपकी ग्राम पंचायत में बाल मोरंग आ रही है, ये कहाँ से आती है? मोरम और पत्थर जो है ये फॉरेस्ट क्रमांक 125, 126, 127 से आती है। और हमने डीएफओ से भी बात किया, सीएफ से भी बात किया, कोई परिणाम नहीं निकलता। भ्रष्ट अफसरों को भेज करके जांच करवाते हैं, जो आम और कटहर लेके चले जाते हैं। ये जो नंबर आपने बताया, ये नंबर किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है? ग्राम पंचायत नहीं, नगर पंचायत। नगर पंचायत त्योथर जो फॉरेस्ट का एरिया है। हाँ, तो आप क्या अपने SDO या रेंज अफसर या डिप्टी रेंजर, इनमें से किस से आपने कभी? हमने सीधे CF से कहा, CF ने के पांडे को टीम बना करके भेजा। वो आए तो खननकर्ता के यहाँ से कटहर और आम कच्चे लेके चले गए। ये जांच हुई। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि पूरा प्रशासन जो है वन विभाग का महकमा ही उसमें संलिप्त है? खनन कर्ताओं से मिले हैं। तो ये प्रायः लगभग कितने टाली मोरम और पत्थर निकाले जाते हैं? हजारों टाली मोरम और पत्थर जो है निकल चुका होगा, हजार, कई हजार। क्या स्थानीय पुलिस को इस संदर्भ में कोई जानकारी? पुलिस तो कुछ बोलती नहीं है, वो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं। एक बार पुनः अपना नाम बताएं। दिव्य शंकर। कहाँ के रहने वाले हैं? त्योथर के। त्योथर के वार्ड नंबर 8। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपका इलाका है, ये तो सिरमौर वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सिरमौर में तो क्या रेंजर साहब कभी क्षेत्र का दौरा किए? कभी नहीं आते स्वप्न में। और जो डिप्टी रेंजर यहाँ है और बीच गार्ड दीप सिंह, ये इतने करप्ट है, भ्रष्ट है कि महीने में केवल वसूली करने आते हैं। उसके बाद ये फिर चले कभी नहीं रहते, ताला लग रहता। बन चौकी तो यहाँ पर बनी हुई है। चौकी बनी है, ताला लगा है, अभी जाइए। चौकीदार रहता होगा? हाँ, चौकीदार संतलाल यादव रहता है। आपको पता है कि वन क्षेत्र सिरमौर के अंतर्गत रेंज अफसर कौन है? अब रेंजर का तो अभी SDO साहब का कभी दौरा हुआ? कभी नहीं। SDO साहब को आप जानते हो, उनका नाम क्या है? ऋषि मिश्रा। तो कभी आपने उनसे भी शिकायत के संदर्भ में दर्ज कराई? कभी स्वप्न में नहीं। हमने CF को डायरेक्ट फोन किया था। DFO को पहले फोन किया तो वो उनका फोन जो है बंद आता है। जो शासन का फोन है CUG नंबर, हाँ, जो नंबर अलाट है इनको सरकारी, वो नंबर बंद आते हैं। तो हमने CF को CF साहब ने उठाया तो एक टीम बना करके भेजा था। दिक्कत की घटना है ये, अभी 1.5 महीने 1.5 महीने पहले।